लेजर चैप्टर का लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इसमें देखने का कोशिश करेंगे हम लोग कि कैसे हमारा लेजर का जो चैप्टर है वो जर्नल से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंशिएट करना क्या कोशिश किया जाएगा। आपके बुक में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है, आप देखिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन जर्नल एंड लेजर, राइट। जर्नल और लेजर में थोड़ा सा अंतर करिए, थोड़ा सा मैं फटाफट रिमाइंड करा देता हूँ। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें जर्नल के बारे में बात कहा गया, दूसरा आपका लेजर के बारे में। एज द नेम इंडिकेट, जर्नल के बारे में कह रहा है, ऑल द ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दीज बुक। ये भी मालूम है हमको, ये कोई नया चीज नहीं है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम, जर्नल में। दैट इज जर्नल और सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक भी एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाएगा। सच एज परचेज बुक, ये सब्सिडरी बुक का ही एग्जाम्पल है, परचेज बुक, सेल्स बुक, ETC। एज द ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस बुक, दे आर ऑल्सो रेफर टू एज बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंट्री बोलते हैं। जबकि लेजर में देखोगे आप, ऑल ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू जर्नल, या तो आपने जर्नल में किया है या आपने सब्सिडरी बुक में किया है, राइट, आर लेटर ट्रांसफर टू द लेजर अकाउंट, राइट। इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं लेजर अकाउंट में। और इस ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हमने क्या कल पढ़ा था, तो क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्टिंग, राइट। जो हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग करना। एज सच द लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो हम अगर डिफरेंस देखें, ये कौन सा एंट्री है, ये है प्राइमरी एंट्री, ये है आपका फाइनल एंट्री, राइट। सेकेंड डिस्टिंक्शन क्या है, फुल डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन नरेशन के साथ आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। मतलब हमारे को जर्नल से हमको नरेशन भी पता चलता है, हम लिखते हैं ना बीइंग गुड सोल टू मोहन सोहन एसेट्रा एसेट्रा, जबकि फुल डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द लेजर, क्योंकि वहां तो बस अकाउंट्स का जो भी डेबिट क्रेडिट है उसको हम लेके आते हैं, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा। फोर्थ इज फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ पे नॉट वर्ड दिया हुआ है, यानी कि हमको क्या करना होगा, हम जो काम करते हैं जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से हम जाएंगे लेजर में, लेजर से जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, देन ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। दिखेगा, अभी दिखेगा आपको, अभी दिखना शुरू हुआ? नो सर। अभी नो सर, स्क्रीन तो शेयर में ही दिखा रहा है सर, मेरे में दिख ही नहीं रहा है। देखिए अभी दिखना शुरू हुआ, दोबारा से मैंने शेयर किया है। यस और नो? हेलो, यस सर, दिखना शुरू हुआ सर अभी, मतलब गोल गोल, राइट। क्या कह रहा है, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो जर्नल से तो नहीं बनाया जा सकता, हाँ जर्नल के बाद हम लेजर करेंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, तब जाके फाइनल अकाउंट बनेगा। तो कह रहा है, वही कह रहा है कि लेजर में आपका फाइनल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस, जर्नल से आप फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते, राइट।
तो अभी ना तो आपने ट्रायल बैलेंस पढ़ा है ना फाइनल अकाउंट, कुछ होता होगा देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे। एक्यूरेसी ऑफ दीज बुक्स कैन नॉट बी टेस्टेड, जर्नल से आपका एक्यूरेसी मतलब डेबिट क्रेडिट सही हुआ है कि नहीं हुआ है ये टेस्टिंग जर्नल से नहीं हो सकता है, लेकिन लेजर से हो सकता है। एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट इज टेस्टेड बाई प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस जैसे ही आप बनाओगे अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर मैच कर जाता है तो आपका टेस्टिंग हो जाएगा कि लेजर सही बना है कि नहीं बना है। तो एक छोटा सा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, छोटे छोटे आप डिस्कस कर देते हैं ताकि एक बार आइडिया भी लग जाएगा और थ्योरी भी कवर अप हो जाएगा। इनमरेट द फेवर एडवांटेज ऑफ लेजर, लेजर के क्या क्या फायदे हैं तो वो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कह रहा है बिलो आर द एडवांटेज ऑफ द लेजर, क्या क्या है। ऑल अकाउंट आर ओपन एंड ऑन सेपरेट पेज, हम हर एक अकाउंट को एक अलग अलग पेज पे हम क्या कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं। Hence, all transaction pertaining to an account are collected at one place in the ledger. तो वही किया ना हमने, कैश अकाउंट बनाया तो एक पेज पे हमने बनाया, अब जर्नल में जाके हमको एक एक करके ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमने कैश अकाउंट को प्रिपेयर किया और एक ही पेज पे जितने भी कैश से रिलेटेड आइटम थे हमने उसको पोस्ट किया। तो हमको कैश अकाउंट देख लेना है तो एक ही स्लाइड में एक ही झलक में आपको सारा का सारा सामान दिख जाएगा कैश। वैसे जर्नल में जाते तो हम ढूंढते अच्छा कैश कहाँ आया कहाँ गया, है ना। तो ये एक एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, सारे अकाउंट जो है एक ही पेज पे एक एक अकाउंट का सेपरेट आप कर सकते हो ताकि उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो एक जगह हो, है ना। आप कोई और भी लेजर खोल सकते हैं, जैसे आपका कोई एक पार्टी है मुकेश, उसका लेजर खोलना है तो एक पेज पे खोल लीजिए, आपको पता चल जाएगा मुकेश को हमने कब कब सामान बेचा है और मुकेश से हमको कब कब पैसे आए हैं, राइट। दूसरा फायदा यह है कि ट्रायल बैलेंस जो है कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर और इसको क्या होगा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो चेक हो जाएगा, प्लस माइनस का जो है गलतियां ये लेजर से ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फायदा यही दोनों है कि आपका लेजर पे कुछ और नहीं है, एक समरी है जर्नल का तो एक ही जगह सारा का सारा चीज आपको इकट्ठा हो जाता है, राइट। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट लॉस अकाउंट कैन ओनली बी प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस, लेजर बैलेंस से ही आपका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। बैलेंस शीट्स भी आपको लेजर से ही किया जाता है। तो अभी क्या है कि आप ना तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानते हैं और ना ही बैलेंस शीट के बारे में जानते हैं, तो अभी आपको इतना जानने की आवश्यकता है कि कुछ होता है आगे चल के जो बनता है वो इसी से बनेगा। जैसे आप मानो ना कि 11th में आपको पढ़ना है तो 11th में पढ़ने आने के लिए आपको 10th में पढ़ना पड़ेगा पहले, तो अभी आप 10th में हो तो आपको क्या मालूम 11th का क्या सीन है, तो जब जाएंगे लेकिन इतना जानकारी अभी कर लो एज अ 10th कि हम 10th पास आउट करेंगे तभी 11th में जाएंगे, सेम टू सेम बात यही कर रहे हैं, राइट। ये रूल्स भी पोस्टिंग का हमने दिखाया था आपको प्रैक्टिकल करके, उसका यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है, फिर भी आप देख लीजिए व्हाट आर द रूल्स ऑफ पोस्टिंग इन द लेजर, क्या रूल है पोस्टिंग करने के। तो हमने कल दिखाया था आपको, वर्बली बताया भी था कि ऐसे ऐसे करोगे तो आपका रूल फॉलो हो जाएगा। बिलो ऑफ द रूल्स ऑफ पोस्टिंग इन द लेजर कह रहा है ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एन अकाउंट, एक अकाउंट का शुड बी इंटर्ड एट वन पैलेस, ये पहला रूल है। जितने भी ट्रांजेक्शन है उस अकाउंट्स के किसी एक अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन जो हैं, सारे के सारे ट्रांजेक्शन किसी एक अकाउंट के हैं वो एक जगह रहेंगे, राइट। टू सेपरेट अकाउंट शुड नो द ओपन फॉर पोस्टिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू सेम अकाउंट, एक बार आपने कैश अकाउंट खोल दिया तो कैश अकाउंट से रिलेशन में जितने भी ट्रांजेक्शन हो उसी जगह पोस्ट, ऐसा नहीं कि दूसरा जगह दूसरे पेज पे कैश अकाउंट आप खोल लोगे। एक बार महेश का अकाउंट खोल दिया तो सारे एंट्री जो है महेश का वहीं पे पोस्ट होगा। एक बार आपने सेल्स का अकाउंट खोल दिया तो सारे के सारे सेल्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो एक जगह होंगे, राइट। तो ये भी हमने कल किया ही था। दूसरा टू द वर्ड टू, ये भी मैंने डिस्कस किया था, टू इज यूज बिफोर द अकाउंट विच अपियर ऑन द डेबिट साइड,
राइट। तो हमने जब कैश अकाउंट आपको दिखाया था, तो हमने क्या दिखाया था कि एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। तो डेबिट साइड को स्टार्टिंग कैसे करते हैं, 2 से, और क्रेडिट साइड को कैसे स्टार्टिंग करते हैं, 22 से। वही यहाँ पे कह रहा है। तो सिंपल सा बात है, डेबिट साइड वाले आइटम को क्या करना, 2 से डिनोट करना। सिमिलरली द वर्ड बाई इज यूज फॉर द अकाउंट विच अपियर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, राइट। तो क्रेडिट साइड वाले को क्या लिखना है, 22 से, सिंपल। थर्ड इज, इफ एन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री, द पोस्टिंग इन द लेजर शुड ऑल्सो बी मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ सच अकाउंट। ये भी है, हमने क्या बताया था आपको कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एक एग्जाम्पल लिया था हमने। तो क्या कह रहा है, जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसके लेजर में डेबिट साइड में जाना। तो ये हम लोगों ने किया हुआ है, बस थ्योरी लिखा हुआ है, आपको मैं दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ एन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री, द पोस्टिंग इन द लेजर शुड ऑल्सो बी मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ सच अकाउंट। तो करते ही है डेबिट साइड में। इन द पार्टिकुलर कॉलम द नेम ऑफ द अदर अकाउंट, राइट। तो हम कैश अकाउंट में जाएंगे तो डेबिट साइड में ही जाएंगे, लेकिन पार्टिकुलर वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, जो दूसरा अकाउंट है, यानी दूसरा अकाउंट कौन सा है, जो क्रेडिट हुआ है, विच हैज बीन क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री शुड बी रिटेन फॉर रेफरेंस, राइट। और डेबिट साइड में 2 लगा लीजिएगा, 2 लगा लेंगे, और डेबिट साइड में हम कैश अकाउंट में जब पोस्टिंग करने जाएंगे तो हम कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग करेंगे, पार्टिकुलर वाले कॉलम में लिखेंगे 2 सेल्स, राइट। वाइस वर्सा दिया हुआ है, इफ एन अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, अगर आपका अकाउंट क्रेडिटेड है इन जर्नल इन्वेंट्री में, द पोस्टिंग इन द लेजर शुड ऑल्सो बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सच अकाउंट। इन द पार्टिकुलर कॉलम द नेम ऑफ द अदर अकाउंट विच हैज बीन डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री शुड बी रिटेन फॉर रेफरेंस, राइट। सिमिलरली अकाउंट विच हैज बीन पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट शुड ऑल्सो बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अनदर अकाउंट। फिर हम सेल्स अकाउंट में जाएंगे, अगर ये डेबिट में हुआ है तो सेल्स में जाके हम क्रेडिट में जाके पोस्ट कर देंगे, राइट। तो सारा ये काम कल किया गया था, कल हमने आपको थ्योरी पढ़ा के नहीं कराया, डायरेक्टली करा दिया, क्योंकि जब तक आप हाथ से नहीं करोगे तब तक थ्योरी खाली पढ़ने से काम नहीं चलता है। अब मे भी आप थ्योरी नहीं भी पढ़ते, कल आपने प्रैक्टिकल कर लिया है तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में अभी आ रहा होगा। जब थ्योरी आप पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा हाँ ये तो मैं जानता हूँ, आई नो, है कि नहीं। चलिए ये देखिए, ये भी मैंने कल डिस्कस किया हुआ था, व्हाट आर द पर्पस ऑफ पोस्टिंग जेएफ नंबर, राइट। जेएफ नंबर क्या है, कुछ और नहीं है, जर्नल एंट्री का जो पेज नंबर है वही आके यहाँ पे रेफरेंस किया जाएगा। जर्नल फोलियो कॉलम इन द लेजर रिकॉर्ड पेज नंबर ऑफ द जर्नल फ्रॉम विच द पोस्टिंग ऑफ द लेजर has taken place. Purpose of JF number is that it provides ready reference to tracing the page of journal from where any entry has been posted. Right? चलिए तो ये सीन इसका बन रहा है। Explain the procedure of balancing of personal account. ये सब का भी hold करते हैं, अभी थोड़ा सा balancing पे जब चलेंगे हम लोग तो detail में करेंगे, right? चलिए तो ये सारे पास अपने पास सीन था जो आपने डिस्कस किया अभी थ्योरी में, क्या वही सारा काम किया। वो लेजर का एक रेफरेंस दिखा देते हैं हम आपको, देखिए यहाँ पे जो आपका कैश अकाउंट ही था, तो आपका रूल क्या कह रहा है कि पहला रूल ये कह रहा है कि लेजर में पोस्टिंग करने का, कि कैश अकाउंट है तो सब एक जगह रहेगा, तो सब एक जगह है ना। डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, यहाँ से यहाँ तक का डेबिट साइड है और यहाँ से यहाँ तक का क्रेडिट साइड है। क्या कह रहा है कि आप जाना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, तो कैश अकाउंट अगर डेबिट हो रखा है तो इसके डेबिट साइड में जाना और पार्टिकुलर में जो अकाउंट क्रेडिट हो रखा है उसको लिख लेना, राइट। ठीक है, अगर ये क्रेडिट हो रखा है तो क्रेडिट साइड में जाना और पार्टिकुलर में जो डेबिट हो रखा है वो लिख लेना। सिंपल सा बात है, इतना सारा काम है हमारे को, तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एकेडमिक लाइफ में आपको ये सारा काम मैनुअल करना पड़ेगा। आप रजिस्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक प्री जजमेंट यानी कि अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इस लेजर के लिए कितना जगह छोड़े, राइट। क्योंकि यहाँ पे थ्योरी आपने पढ़ा तो बोला कि हर लेजर के लिए एक एक पेज छोड़ें, बट
प्रैक्टिकली आप एक क्वेश्चन बनाओगे, इसमें 10 लेजर है तो 10 पेज आपको लग जाएंगे, तो उतना पेपर वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है।